नाना पटोले ने आज पत्रकारों से विविध मुद्दों पर संवाद साधा। इस दौरान पटोले बोले कि कांग्रेस ने हमेशा अपनी भूमिका स्पष्ट की है, जिसमें गुजरात के बंदरगाह पर निजी जहाजों से ड्रग्स महाराष्ट्र में आते हैं। ऐसा कहते हुए पटोले ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सत्ताधारियों ने एयरपोर्ट के पोर्ट की जिम्मेदारी अपने कर्मियों को दी है, समुन्द्र के पोर्ट भी अपने कर्मियों को देकर प्राइवेट पोर्ट के जरिए गुजरात के रास्ते महाराष्ट्र में आते हैं। कांग्रेस एक बात का हमेशा विरोध करता रहा है कि जो समंदर के पोर्ट, जैसे एयरपोर्ट के पोर्ट इन लोगों ने इनके मित्रों को दिए, वैसे समंदर के पोर्ट भी इनके मित्रों को दिए। और गुजरात के मुंद्रा पोर्ट से जिस तरह से ड्रग एक बार नहीं चार बार छपड़ा गया, खरबों रुपए का वहां पे ड्रग्स पकड़ा गया, इसका मतलब है कि ये प्राइवेट पोर्ट के माध्यम से समंदर के रास्ते से इस देश में बड़े पैमाने में ड्रग्स आते हैं और ये ड्रग आकर पूरे देश में इसको फैलाया जाता है। और आज गुजरात पुलिस ही छत्रपति संभाजी नगर में आकर वहाँ पे उन लोगों ने रेड किया है। नासिक में जो एमडी ड्रग्स मिले, आखिरी ये जो ड्रग्स की उपलब्धता बड़े पैमाने से विदेश से अपने देश के हर कोने में पहुँचाने का काम ये प्राइवेट पोर्ट से हो रहा है, ये इसमें स्पष्ट होता है। केंद्र सरकार ने सही में ये तो सिर्फ राज्यों का ही नहीं, तो केंद्र सरकार ने इसकी भूमिका स्पष्ट करना चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार का तो अब केंद्र सरकार को कुछ उद्योगपति चला रहे हैं क्या, ये भी प्रश्न अब जनता के सामने खड़ा हो रहा है। इसका जवाब दिल्ली की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने देना चाहिए, क्योंकि हमारा देश अगर पूरे आने वाली पीढ़ी अगर नशे में धुत हो तो ये देश ऐसे ही खत्म हो जाएगा। और हम एक अगर सशक्त भारत बनाना चाहते तो ड्रग मुक्त हमारा भारत बने, ये हमारी सबकी हम सबका सपना है, तो इसको पूरा करने का काम केंद्र सरकार ने करना चाहिए।